बोल इंडिया, सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से। किसने की गरीबों की मदद, विगत 25 वर्षों से जरूरतमंदों गरीब परिवारों की सहायक। गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने हेतु महिलाओं को रोजगार से लगाना, गरीब परिवारों के बच्चों की निशुल्क शिक्षा और शैक्षणिक सामग्री में सहयोग प्रदान करते आ रही है। और हाल ही में असमय आई कोरोना वैश्विक महामारी के चलते कई लोग घर से बेघर हो गए। वहीं कोरोना कर्फ्यू के चलते कई परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिसके चलते रोज कमाने खाने वालों की मदद के लिए समाज सेवी संस्था जन समस्या निवारण संस्थान आगे आई और जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क राशन सामग्री व अन्य जरूरत की सामग्री के साथ ही ऑक्सीजन की कमी के 12 लीटर के ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरतमंद लोगों को हॉस्पिटल तक सुरक्षित पहुंचने हेतु दिए गए और भाप मशीन सैनिटाइजर वितरित किए गए। बोल इंडिया न्यूज के लिए शिवनी से एम रहमान की रिपोर्ट। आदाब, मैं हूं एम रहमान और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। जैसा कि देश में विगत 2-3 माहों से कोरोना की एक सेकेंड वेव आई थी, जिसने हजारों परिवारों को, किसी के माँ, किसी के बाप, किसी के बेटा, किसी की बीवी छीन लिया। ऐसे समय में जबकि लॉकडाउन लगा हुआ था, गरीबों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, यहाँ तक कि लोग भूखे मरने की कगार पे थे। ऐसे समय में देश भर में अनेकों संस्थाएं सामने आई, जिसमें सिवनी में भी काम कर रही जन समस्या निवारण संस्थान सामने आकर गरीबों के लिए दवाएं, भाप की मशीन, गल्ला, ये सब बांटी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जन समस्या निवारण संस्थान की जिला अध्यक्ष श्रीमती पार्वती डहरिया जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस भीषण कोरोना काल में, जब कि एक दूसरे के पास आदमी जाने में भी कतरा रहा था, यहाँ की सगे रिश्तेदार एक दूसरे के यहाँ नहीं जा रहे थे, ऐसे समय में आपकी संस्थान ने और आपने गरीबों के लिए क्या क्या किया और किन किन क्षेत्रों में काम किया, ये बताइएगा। नमस्कार, मैं पार्वती डहरिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने ये क्वेश्चन पूछे हैं। हमारी ये जन समस्या निवारण संस्थान टीम ने गरीबों के लिए, जो बाहर सिवनी जिले के अस्पताल में बाहर से आए हुए थे, उनको रहने की खाने की कोई सुविधा नहीं थी, तो उनको भोजन भिजाना और आर्थिक तौर पे जो बहुत ही ज़्यादा असहाय लोग थे उनको भोजन की व्यवस्था कराना, राशन की किट बांटना, उनको मेडिसिन दिलाना, समय पे उनके उचित इलाज कराना, सिवनी से और बाहर रेफर करवाने के लिए भी सहायता करना, हमारी टीम के द्वारा पूरी इस प्रकार से ये सहायता की गई। हमारी टीम ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ये सहायता की है। मैं सबसे पहले तो आपसे आपका परिचय जानूंगा। नमस्ते सर, मैं सिवनी की अध्यक्ष किडवाई वार्ड से अमृता दुबे बोल रही हूँ। सुना गया है कि इस भीषण दौर में लोगों को दवाएं, भाप की मशीन, तो भाप की मशीन भी आपके द्वारा बांटी गई है। जी सर। मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं उस भाप की मशीन को। जी सर, ये है भाप की मशीन, ये बांटे गए थे हमने गरीबों को, मास्क भी बांटे हैं, ये मशीन है भाप की मशीन, और मास्क भी बांटे हैं गरीबों को। अभी हॉस्पिटल भी गए थे हम लोग, तो वहाँ पे जो बच्चे, छोटे बच्चे हैं, उनको बिस्किट, फल वगैरह सब वितरण किए। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपका परिचय। नमस्कार, मैं अमृता बेदी, उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष। इसका यूज़ कैसे किया जाता है? सर, इसमें पानी भरा जाता है नीचे में। जी देखिए, यहाँ नीचे पानी भरा जाता है और ये ऊपर से लगाया जाता है। हाँ देखिए, ये ऐसा लगाया जाता है, देखिए, और यहाँ से फेस वो करके
किया जाता है। ऐसे समय पर कहीं ना कहीं लोगों की दुआएं भी बहुत मिलती हैं और ख़ुद को आत्म संतुष्टि भी पहुंचती है कि गरीबों के लिए हमने काम किया। तो जिस तरह से इस दौर में लोग एक दूसरे के पास जाने से कतरा रहे थे, आपको गरीबों के लिए काम करके कैसा लगा? बहुत संतुष्टि मिली सर हमें काम करके, सभी से बहुत बहुत अच्छा लगा सबके साथ मिलके। और जो उन लोग के मुंह पर हंसी हम लोग को दिखी कि मतलब इस समय में इस दौर में हम उनको भोजन पानी जो भी हम लोगों से बन रहा है वो सभी चीज़ कर रहे हैं, तो उनको भी उतनी ही खुशी मिल रही है जिनको मिल रही है, ये सब चीज़ हम लोग दे रहे हैं और हमें भी बहुत संतुष्टि मिल रही सर। हम लोग इतना करके बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग कुछ तो मतलब कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है करके कि काम करके, जो भी अच्छा लग रहा बहुत सर। आप लोग गृहिणी हैं सभी? जी सर। आपको ये प्रेरणा कैसे मिली? सर ये प्रेरणा तो हमको हमारे यहाँ मतलब बचपन से ही थी मेरे को भी कि हमको गरीबों की सहायता करना चाहिए। हमारे यहाँ पापा जी भी थे तो उनने ये बताया कि देखो जिसकी अपन मदद करेंगे तो ऊपर वाला भी अपन को बहुत देगा, है कि नहीं। अपन ने अगर गरीबों की मदद करें तो उनकी दुआ भी मिलेगी, है कि नहीं, और उनको खाना मिलेगा। क्योंकि ये चीज़ों में मतलब क्या हुआ है कि बड़े लोग आगे नहीं आए हैं और कई लोग की नहीं रहती है इच्छा कि हम नहीं कर रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, अगर हम उनकी हेल्प करेंगे तो हम ही खुद वो हो जाएंगे। तो पर हम लोग ने ये चीज़ नहीं सोचे, हमने ये सोचे बेचारे गरीब लोग को हम आगे करेंगे और अगर ये सब सामान देंगे तो उनकी दुआ ही मिलेगी हमको। ऐसा कहा जा रहा है, सरकार भी कह रही है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, साइंसदान भी कह रहे हैं कि तीसरा वेव आ सकता है, ईश्वर ना करेगे आए, है ना। लेकिन अगर आता है तीसरा वेव तो उस समय आप लोग क्या करेंगे? सर भगवान करे ऐसा मौका नहीं आना चाहिए, यदि आता भी है तो हमारी टीम बिल्कुल पूरी तैयार है हर एक प्रकार से मदद करने के लिए। अभी जो किया इससे बढ़ के करेंगे या इससे कम करेंगे? सर स्वाभाविक है हम इससे बढ़ के करेंगे और अभी तो काफ़ी किया है, इससे ज़्यादा ही करेंगे, जितना भी हो सकेगा हम पूरी टीम मिल के करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप गरीबों के लिए इतना अच्छा काम किए। इसी के साथ नमस्कार।